ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। छत्तीसगढ़ में लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में लगभग 2,25,000 के साइबर फ्रॉड पीड़ित ने दुर्ग पुलिस से ठगी को लेकर शिकायत की। इस मामले में दुर्ग पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने साइबर ठगी से जुड़ी जानकारियां पत्रकार वार्ता के दौरान कुछ इस प्रकार साझा की। मुझे कुछ लोगों ने फोन करके बताया कि सर हमारे साथ ठगी हुई थी। एक नंबर बताया, इससे व्हाट्सएप में आपका फोटो था, दुर्ग पुलिस लिखा हुआ था, वहां से मैसेज आया। फिर उन्होंने फोन किया और बताया कि आपके इतने लाख की ठगी हुई है, यदि आपको अपना पैसा वापस चाहिए तो आपको 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा और इससे दुर्ग पुलिस आपका जो है क्रिमिनल को पकड़ेगी और आपका पैसा वापस लौटाएगी। उसके बाद फिर 15,000 की मांग हुई तो उसको शक हुआ, तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से उसने पहले कॉल किया, वो व्हाट्सएप डाला और फिर मैंने उसको कॉल किया। मैंने उसको बताया कि आपके पास दोबारा 10,000 की ठगी हो गई है। मैं दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप पे कोई किसी का फोटो लगा सकता है, कोई किसी के नंबर से सेव कर सकता है, भरोसा ना करें। मैं केवल अपना पर्सनल नंबर 7898815399 पे मोबाइल और व्हाट्सएप दोनों अटेंड करता हूँ। दुर्ग पुलिस किसी से अपराध के अनुसंधान के लिए पैसे नहीं मांगती है। यदि आप पहले से छले जा चुके हैं उसके बाद दोबारा ठगी के शिकार ना बने, किसी भी अननोन नंबर से आए हुए मैसेज भी भरोसा ना करें। किसी को दुर्ग पुलिस के नाम पे कोई इन्वेस्टिगेशन की या पैसे की मांग होती है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं, फोन कर सकते हैं, उनका निराकरण किया जाए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।